15 अप्रैल से बांटा जा रहा है निशुल्क राशन, कम दिया तो राशन डीलर पर होगी कड़ी कार्यवाही। जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह ने जनता से की अपील, कहा 15 अप्रैल से लॉकडाउन के चलते सभी राशन कार्ड धारकों को निशुल्क मिलेगा राशन, जिसमें 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से चावल होंगे निशुल्क प्राप्त। यदि राशन डीलर कम दे तो कृपया प्राप्त नहीं करें, इसकी सूचना उपस्थित राशन डीलर के यहाँ पर्यवेक्षक से करें, जब नहीं सुने तो जिला कंट्रोल रूम शिकायत दर्ज कराएं, जिसकी कार्यवाही तत्काल होगी। मैं अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी संभल, जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 15 अप्रैल से 26 अप्रैल 2020 तक 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न चावल का वितरण किया जाएगा। ये मैं इसलिए आपको ऑडियो के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि खाद्यान्न वितरण में अगर कहीं भी किसी उचित दर विक्रेता द्वारा आपको निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जाता है या देने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी दशा में आप बिल्कुल खाद्यान्न मत प्राप्त करें, खाद्यान्न लेने से इनकार कर दें, तथा वहां पर जो पर्यवेक्षणीय अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा ICDS के सुपरवाइजर हैं और सहायक अध्यापक हैं, इन लोगों को वहाँ पर तैनात किया गया है, उनसे आप इसकी शिकायत करें। पर्यवेक्षकीय अधिकारी का यह जिम्मेदारी होगा कि वह उचित दर विक्रेता से निर्धारित पूरी मात्रा में खाद्यान्न राशन कार्ड धारक को दिलाए। अगर पर्यवेक्षकीय अधिकारी भी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहता है, तो राशन कार्ड धारक से मेरा अनुरोध है कि वो अपने तहसील के कंट्रोल रूम में तथा जिला नियंत्रण कक्ष के कंट्रोल रूम के दूरभाष पर इसकी सूचना दें। वहां से एक डेडिकेटेड स्टाफ भेजकर उसको पूरी मात्रा में खाद्यान्न दिलाया जाएगा, परंतु किसी भी दशा में 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से कम खाद्यान्न बिल्कुल स्वीकार न करें। मेरा जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं से भी ये कहना है कि वह राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की निर्धारित दर से पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराए और किसी भी प्रकार की मूल्य लेने की शिकायत कहीं से अगर प्राप्त हुई तो जांच करने पर, सही पाए जाने पर, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त, कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। पर्यवेक्षकीय अधिकारियों से भी मुझे ये कहना है कि वितरण की अवधि में वह उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से पूरी खाद्यान्न वो कार्डधारकों को दिलाएं तथा लॉकडाउन का भी पूरी सख्ती से पालन कराएं। मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को वितरण की व्यवस्था देखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मैं नोडल अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि वह निरंतर भ्रमणशील रह करके निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिलाएं तथा लॉकडाउन की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कराएं। इसके अलावा जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी और थाना अध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि खाद्यान्न वितरण की अवधि में निरंतर भ्रमणशील रह करके उचित दर विक्रेता की दुकानों पर जाकर जांच करें और लॉकडाउन का पूरी तरह सख्ती से पालन कराएं और निर्धारित मात्रा में कार्डधारकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाएं। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका मौके पर ही निस्तारण कराएं। मैं सभी राशन कार्डधारकों से अपील करूंगा कि वो भीड़ लगाकर या इकट्ठा होकर के उचित दर विक्रेता की दुकान पर ना आएं। समय पर्याप्त है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन रोस्टर के हिसाब से ही आएं तथा दूरी बनाकर खड़े हों, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, चेहरे पर फेस मास्क या फेस कवर लगा करके आएं और बायोमेट्रिक्स मशीन यूज करने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो करके बायोमेट्रिक्स मशीन पर अपना अंगूठा लगाएं। आपको आपकी किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए जिला प्रशासन हमेशा तैयार है। धन्यवाद।